अब गाइस जो अपनी M69 म्यूटेंट होती है ऑटो पे भी चला सकते हो इस ग्रिप को लगा के, 5 कॉइन की यार ये ग्रिप मिलेगी। एंड जैसे ही इसको आप इक्विप करोगे यहाँ पे देख सकते हो गाइस आपकी म्यूटेंट या फिर M16 ऑटो पे चलने लगेगी। अब गाइस ये ग्रिप यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है मिड रेंज या लॉन्ग रेंज के लिए। अब तो फाइनली गाइस जो कि हमारा BGMI है वो वापस आ चुका है। एंड इस अपडेट में गाइस अपन को बहुत सारे नए फीचर्स देखने मिलेंगे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, टॉप 31 न्यू फीचर्स इन BGMI। अब इस वीडियो में गाइस मैंने मेजर फीचर्स बताए हैं, अगर माइनर कवर करता तो गाइस बहुत बड़ी वीडियो हो जाती। सो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं कौन से बड़े 31 न्यू फीचर्स हैं जो कि हमें अपने BGMI में देखने मिलेंगे। तो गाइस फर्स्ट फीचर की बात करें तो साइकिल स्टैंड को अपने रेंगल मैप में ऐड कर दिया गया है जो कि हमें 4-5 लोकेशन में देखने मिलेगा, जिसमें से एक लोकेशन है यहाँ फार्म के पास। एंड गाइस जो भी साइकिल आप साइकिल स्टैंड से उठाएंगे उस पर आप अपने टीममेट को भी कैरी कर सकते हैं, बाकी जो नॉर्मल बाइसिकल्स होती है उस पर नहीं कर पाएंगे। अब गाइस अपने रेंगल मैप में कुछ कुछ जगह पे पोर्ट्स को ऐड किया गया है जैसे कि फार्म, मिलिट्री बेस एंड फेरी पियर। अब पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था एंड अब कुछ बिल्डिंग्स, वेयर हाउस देखने मिल रहे हैं। अब इससे पता चलता है कि BGMI का पूरा फोकस अपना ई स्पोर्ट्स की तरफ है। एंड यहाँ पे मिलिट्री बेस का ये वाला लोकेशन भी आप देख सकते हो, वेयर हाउस, टावर, बोट, ये सब यहाँ पे आ चुका है जो कि यार पहले नहीं हुआ करता था। एंड फेरी पियर पे यहाँ पे भी कुछ वेयर हाउस एंड पानी के बीच में कुछ पत्थर्स को भी ऐड किया है ताकि यार ब्रिज कैंप ना हो पाए। अब गाइस रेंगल मैप में यार मिराडो को ऐड कर दिया गया है जो कि अपनी मिरामार की कार है एंड कह सकते हैं वन ऑफ द फास्टेस्ट कार जो कि यार 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी क्रॉस कर देती है। बट गाइस इसमें एक फीचर इन लोगों ने और ऐड किया है, अपन लोग इसकी रूप को भी क्लोज कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड गाइस इन फ्यूचर अपन लोगों को शायद तक बहुत सारे सुपर कार्स के साथ कोलैब भी देखने मिलेंगे। अब गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, 60K के बहुत क्लोज हैं, सपोर्ट करो यार भाई थोड़ा सा एंड बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब गाइस आते हैं फोर्थ फीचर पर। सो गाइस अपने रेंगल मैप में जो पेट्रोल पंप हुआ करते थे वो अब वर्किंग कंडीशन पे आ चुके हैं, सिर्फ 1 या 2 टोकन लगेंगे एंड यहाँ से आप फ्यूल भर सकते हैं एंड गैस कैन कैरी करने की झंझट अब खत्म। यहाँ पे देख सकते हो नीचे की तरफ फ्यूल गाइस भरता जा रहा है एंड फुल कर सकते हैं इस पे आप फ्यूल। सो गाइस अब होते हैं अपन लोग फिफ्थ फीचर पर। तो गाइस अपन को बाइक चलाते हुए कुछ नए एनिमेशंस देखने मिलेंगे जैसे कि यहाँ देख सकते हो गाइस गाड़ी को मोड़ते हुए अपना करेक्टर भी यार मूव करेगा एंड ब्रेक वगैरह भी लगाएंगे तो टायर भी स्लाइड करता हुआ दिखाई देगा। अब गाइस ये फीचर यार काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी रियलिस्टिक जैसा फील आ रहा है बाइक चलाने में। तो गाइस अब आते हैं अपने नेक्स्ट फीचर में, जो अपने लिविक मैप का मॉन्स्टर ट्रक था वो भी गाइस रेंगल पे ऐड कर दिया गया है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एंड ये व्हीकल गाइस लिटरली बहुत तबाही मचाने वाला है। अब गाइस इसका स्पीड भी बढ़िया है एंड कंट्रोलिंग भी गाइस बहुत अच्छी है इसकी। अब गाइस बीच में ये बॉट्स को अपग्रेड किया गया है, अब गाइस बॉट गाड़ी भी चला पाएंगे, जंप भी कर पाएंगे, पीक भी कर पाएंगे एंड बहुत तगड़ा लग रहा है यार ये देख के। अब इस फीचर से कैंपरों की यार बहुत ज़्यादा फटने वाली है। गाइस नेक्स्ट फीचर है अपना व्हीकल स्टोरेज का, जैसे ही बैग खोलेंगे नीचे की तरफ आपको व्हीकल स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा जहां पे अपनी एमो, हीलिंग को कैरी कर सकते हैं ताकि आप बाद में यूज कर सकें। अब गाइस रेंगल मैप में बहुत सारी जगह मार्केट शॉप्स को भी ऐड किया गया है जहां से आप डिस्काउंटेड प्राइस में आइटम्स खरीद सकते हैं। अब गाइस ये अपन को कुछ लिमिटेड प्लेसेस में ही देखने को मिलेगी। अब गाइस 10th फीचर पे आते हैं जो कि अपना गन शील्ड। अब जो गाइस M249 या DP28 चलाते हैं उनके लिए यार ये फीचर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अब गाइस शॉप से आपको एक गन शील्ड करके आइटम मिलेगा जो कि यार कुछ 5 कॉइन्स का है एंड जैसे ही परचेस करेंगे एंड लेटेंगे तो गाइस यहाँ देख सकते हो गन के सामने एक शील्ड टाइप का जाएगा जो कि गाइस बहुत हेल्प करेगा यार बुलेट्स को रोकने में। अब गाइस नेक्स्ट फीचर यार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है जो कि यार अपना एक नया वेदर, यहाँ पे देख सकते हो गाइस एक वेदर और ऐड किया है अपने BGMI में जो कि यार थोड़ा सा पिंकिश टाइप का है। अब गाइस वो शाम वाला मौसम खेला था लाल लाल वो बहुत गंदा लगता था, बट ये गाइस ये वाला वेदर बहुत अच्छा है। अब गाइस नेक्स्ट फीचर की बात करें तो एक नया एनिमेशन देखने मिलने वाला है अपन लोगों को मैच स्टार्ट होने से पहले जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही यार अमेजिंग टाइप का लग रहा है। अब गाइस 13th फीचर की बात करें जो कि यार अपना एक नया मिली वेपन जो कि अपन को स्टार्टिंग लॉबी से मिलेगा। अब जैसे ही लैंड करेंगे तो मुक्के की जगह गाइस ये होगा अपने हाथ में ताकि और आसानी से यार बंदे को मार सके, थोड़ा बहुत चांस रहे यार बंदे को मारने में। अब गाइस नेक्स्ट फीचर की बात करें जो कि यार अपना न्यू मैप जिसका नाम है गाइस न्यूसा। अब गाइस 1x1 किलोमीटर का ये मैप है। अब मैप तो बहुत छोटा है बट गाइज बहुत सारी ऐसी न्यू एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो कि यार मैंने भी नहीं देखी, मुझे भी खेलना है यार ये वाला मैप।
अब गाइस 15th फीचर अपना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि यार अपना एक नई तरह की ग्रिप जिसका नाम है फुल ऑटो मोड। अब गाइस नाम सुन के ही आपको पता चल रहा है बहुत ही ज्यादा ये खतरनाक होने वाली है। अब गाइस जो अपनी M69 म्यूटेंट होती है ऑटो पे भी चला सकते हो इस ग्रिप को लगा के। 5 कॉइन की यार ये ग्रिप मिलेगी एंड जैसे ही इसको आप इक्विप करोगे यहाँ पे देख सकते हो गाइस आपकी म्यूटेंट या फिर M16 ऑटो पे चलने लगेगी। अब गाइस ये ग्रिप यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है मिड रेंज या लॉन्ग रेंज के लिए। अब गाइस इस क्लिप में मत जाना थोड़ा सा, मेरा यार पता ही है ना यार किस्मत बहुत खराब रहती है। अब गाइस 15th फीचर की बात करेंगे जो कि यार अपनी न्यू गन्स। अब गाइस इसमें एक गन नई है एंड एक पुरानी। अब फार्मस जो है यार अपनी लिविक मैप में मिलती थी एंड इसका रिकॉयल यार बहुत ही ज़्यादा घटिया एंड मुझे नहीं लगता यार कोई इसको चलाने वाला है अगर मजबूरी नहीं पड़ी तो। बट जो गाइस सेकेंड वाली गन है ना यार वो भाई नेक्स्ट लेवल है। अब यहाँ पे सेकेंड गन देख सकते हो जो कि यार अपनी हनी बैगर, छोटी सी गन है बट 7.62 की एमओ लगती है एंड रिकॉल गाइस नेक्स्ट लेवल है एंड डैमेज भी गाइस 5 की गन से तो बहुत ही ज़्यादा है इसका। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई क्या ही खतरनाक चल रही है विदाउट ग्रिप, कुछ भी नहीं लगा इस पर। अब गाइस आई थिंक सो इस गन के आने के बाद इसी का मेटा चलने वाला है अपने ई स्पोर्ट्स में। अब गाइस 17th फीचर पे आते हैं जो कि यार अपना एक नया तरह का टैंक जो कि अपन को अपने पेलोड मोड में देखने मिलेगा। अब मैंने भी नहीं चलाया यार ये टैंक, मुझे भी चलाना है। जैसे ही गेम आएगा यार इसकी भी टेस्टिंग करेंगे कैसा चलता है। गाड़ियां वाड़ियां यार ईजिली उड़ जाती हैं एंड मिसाइलें वगैरह लगी हैं इस पर, तो गाइस देखते हैं यार कैसा होता है ये वाला टैंक चलाने में। अब गाइस 18th फीचर है अपना व्हीकल रडार, ये भी आप लोग शॉप से परचेस कर सकते हो एंड इसका यूज़ जहाँ भी आप होगे वहाँ के पास की सारी व्हीकल्स आपको दिख जाएंगी। अब बस आपको बैग खोल के इसको यूज़ करना है एंड जैसे ही ये यूज़ हो जाएगा एंड आप मैप खोलोगे तो आपको आसपास की सारी व्हीकल्स दिख जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हो ये रडार कर रहा है एंड एक बग्गी खड़ी, दो बग्गी खड़ी हैं, एक US खड़ी है एंड मैं जो डाशिया लेके आया था वो खड़ी है यहाँ पे देख सकते हो गाइस। गाइस 19th फीचर है अपना कंपेनियन ट्रांसफॉर्म। अब गाइस जैसे ही आप मर जाएंगे अगर आपके पास कोई कंपेनियन होगा, अगर नहीं भी होगा तो आप री रोबोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर कंपेनियन होगा तो उस पर हो जाएंगे एंड उसके बाद आप अपने पूरे रेंगल मैप में कहीं भी घूम सकते हैं। बस आपको लूट नहीं दिखाई देगी, एनिमी नहीं दिखाई देगा, बाकी आप पूरे मैप में कहीं भी घूम सकते हैं एंड ये फीचर भी यार बहुत अच्छा लगा, खाली बैठने से अच्छा घूमते ही रहेंगे। अब गाइस नेक्स्ट फीचर पे आते हैं जो कि यार अपनी स्टेलवर की ट्रैम्स। अब गाइस स्टेलवर पे बहुत सारी ट्रैम्स ऐड कर दी गई हैं। अब गाइस ये ट्रैम्स अपनी आई थी विंटर मोड में शायद तक आई थी एंड यहाँ से देख सकते हो तीन जगह जाती है, एक सेवरनी जाती है, एक कामेस की जाती है एंड एक याशनाई की तरफ। अब ईजी रहेगा यार यहाँ से नीचे जाने के लिए, लेट के बढ़िया चल जाओ, गोली वोली नहीं पड़ेगी एंड फूटती भी नहीं है यार ये ट्रैम्स। अब गाइस 21st फीचर अपना एक पुरानी बिल्डिंग का नया इंटरफेस। अब इसको मैं बोलता हूँ यार 56 खिड़की, अब बाकी आप लोग जो भी बोलते हो कमेंट में ज़रूर बताना एंड यहाँ पे देख सकते हो इसका इंटरफेस चेंज हो चुका है एंड जितनी भी यार ऐसी तरह की बिल्डिंग्स होगी उन सबका यार इंटरफेस पूरी तरह से यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। अब गाइस आते हैं 22nd फीचर में जो कि यार अपना ग्रुप इमोट। अब यहाँ पे गाइस कुछ लोग रील्स वगैरह बनाने के लिए अपने टीममेट को साथ में इमोट करने के लिए बोलते थे बट यहाँ पे वो फीचर आ चुका है, बस यहाँ पे बॉक्स पे टिक करना है इमोट के पास जो दिख रहा है एंड यहाँ पे जो भी आप इमोट करोगे वो भी साथ में करेगा। अब गाइस सामने वाले के पास चाहे वो इमोट हो या ना हो बट फिर भी वो इमोट करेगा। अब गाइज आते हैं 23rd फीचर में जो कि गाइज अपना हॉस्पिटल। अब गाइज हॉस्पिटल की बिल्डिंग को तोड़ दिया गया ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये अपना नीचे का पार्ट है एंड यहाँ ऊपर की तरफ भी ऐसा तोड़ दिया गया है। अब गाइज आते हैं नेक्स्ट फीचर पर जो कि यार अपना क्रिएटर मोड। अब गाइज बहुत सारे सिनेमेटिक्स ऐड किए गए अपने BGMI में जिसकी मदद से आप लोग बहुत अच्छे व्यू से शॉट रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक व्यू मैंने सिलेक्ट किया, मुझे नहीं पता यार इसका नाम क्या है एंड यहाँ पे इसका कैमरा एंगल भाई ये अच्छा लगा यार ये वाला, मैंने बाकी भी ट्राई किए थे बाकी उन सब में से मुझे ये सबसे अच्छा लगा। अब गाइस 25th फीचर है अपना एक्सप्लोसिव वो। अब गाइस एक नया वेपन ऐड किया है BGMI में, अब इसको अपनी भाषा में बोले तो कहेंगे धनुष बाण। अब गाइस ये यार चलाने का मेरा बहुत मन था यार बट गेम ही बैन था एंड अब यार इसको टेस्ट करेंगे क्या कैसा डैमेज है यार इसका। अब गाइस एक और बहुत तगड़ा फीचर ऐड किया है जिसका नाम है यार गाइस वॉइस टू टेक्स्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो नीचे की तरफ माइक टाइप का बना रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी बोलना है जो भी यार उससे टाइप करवाना है एंड ये डायरेक्ट टीममेट के पास मैसेज भेज देगा।
अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था प्लीज गाइज रिकॉल मी एंड उसने यार ये चीज लिख दी एंड यहाँ पे ऊपर पढ़ सकते हो गाइज। अब गाइज 27th फीचर पे आते हैं जो कि अपना सप्लाई वेयर हाउस कार्ड। अब गाइज इसमें अपन लोगों को सीक्रेट लोकेशंस मिलेंगी जो कि यार सिर्फ इस कार्ड से खुलेंगी एंड अच्छा तगड़ा लूट देखने मिलेगा वहाँ पे। अब गाइज नेक्स्ट फीचर में आते हैं जो कि अपना लॉन्ग डिस्टेंस एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट। अब गाइज जैसे ही आप थोड़ा दूर का बंदा मारेंगे नीचे की तरफ आपको मीटर में दिख जाएगा कि आपने कितना दूर का बंदा मारा है। अब गाइज 29th फीचर में आते हैं जो कि गाइज अपना नया मेट्रो रॉयल का मैप, यहाँ पे देख सकते हो एक और मैप ऐड किया है। अब मुझे नहीं पता यार कौन खेलता है मेट्रो रॉयल को, मैंने खेला है बट मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना पड़ता है। जो लोग खेलते हैं उनके लिए बहुत अच्छा यार होने वाला है। अब गाइज 30th फीचर में आते हैं जो कि यार अपना वाव मोड। अब गाइज इसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें यार क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई भी रेस करनी है कुछ भी मैप में, मतलब कि जैसा GT5 वगैरह में रेस वेस ट्रैक वगैरह बनाते हैं वैसे यार इसमें बना के अपन लोग सारे टीममेट्स साथ में एंजॉय कर सकते हैं। अब गाइज लास्ट एंड 31st फीचर है अपना स्कूल की बिल्डिंग। अब गाइज इसमें यार नीचे की तरफ देख सकते हो ये जो रूम होता है यहाँ पे विंडोज वगैरह ऐड कर दिया गया है दोनों साइड की तरफ, जैसे कि मैंने बताया था कि कॉम्पिटिटिव का सीन क्रिएट कर रहे हैं ये लोग एंड उसी के लिए यार ये विंडोज ऐड की गई हैं। रूम पे बैठ के यार बंदे कैंप वैम्प करते थे इस वजह से। अब गाइज इतना ही था यार इस वाली वीडियो पे एंड बताना जरूर यार वीडियो कैसी लगी एंड और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। गाइज मेहनत लगी यार बहुत ज्यादा वीडियो बनाने में, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।